Class 9, and we are doing science chapter 2 today. Is matter around us pure? Before that, doubt number 1. Who has asked me heterogeneous, homogeneous? Sabharat. Bharat, okay. होमोजीनियस एन ई ओ है क्या? नहीं, वर्सेस हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस ओके. भारत, टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकल डेफिनेशन तो ये है, व्हेन सोल्यूट, और सोल्यूट मैंने बोला जो जो कम मात्रा में होता है, सॉल्ट, शुगर, कम मात्रा. When solute is equally distributed, पूरा equally distributed होता है, यानी कि आपने नींबू पानी बनाया, उसकी थाली में डाल दिया, चाहे यहां से चम्मच भर के चख लो, चाहे यहां से चम्मच भर के चख लो, सॉल्ट दोनों जगह बराबर मिलेगा. ओके भरत, दैट इज होमोजीनियस. व्हाट इज हेट्रोजीनियस? व्हेन सोल्यूट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. कई बार होता है घर के अंदर ना, स्पेशली जब सूखी सब्जी बनती है, गोभी वोभी बनती है, तो कहीं तो सॉल्ट ज्यादा होता है गोभी में और कहीं कम. एक बंदा कहता है सॉल्ट कुछ ज्यादा लग रहा है, नमक लग रहा है, एक बंदा कहता है मुझे कम लग रहा है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ सही से. सो भरत, ऐसे को क्या हम बोलते हैं? हेट्रोजीनियस. और होमो का एक्चुअली मतलब होता है, वर्ड होमो जो ना, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम. ओके भरत, ओके सर. डाउट नंबर 2 जस्ट कम फ्रॉम अपना खालिद. व्हाट इज एटमोसिटी? एटमोसिटी डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटमोसिटी. एग्जाम्पल, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, एच टू है, इसके अंदर दो एटम है, एच और एच, ये मॉलिक्यूल है और ये एटम्स है. तुम बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कि एटम कौन सा मॉलिक्यूल है? भाई उसकी बेसिक डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, एटम्स अकेले नहीं मिलते, ना रहते वो कभी अकेले, हमेशा एवरी कंपाउंड इन नेचर, एवरी एलिमेंट इन नेचर और कंपाउंड इन नेचर इज ऑलवेज फाउंड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. वो तो लैब के अंदर साइंटिस्ट उसको अल्फा गामा बीटा रे मार मार के सर, हर एक चीज की अलग अलग एटमोसिटी होती है. हाँ अलग है. तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की एटमोसिटी क्या है, यहां लिख रहा हूं एटमोसिटी 2. हाइड्रोजन की एटमोसिटी क्या है? 2. हीलियम एक गैस होती है, उसकी एटमोसिटी 1 होती है, उसमें एक ही एटम होता है अपना. कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसिटी 3 है. क्यों? कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम. एक आता है ओजोन करके प्रोडक्ट, सबको पता है ओजोन क्या होता है. ओजोन के अंदर 3 मॉलिक्यूल है, तीन तीन एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसकी एटमोसिटी क्या हो जाएगी खालिद? 3. तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? सर सिंबल ऑफ ओजोन इज O3. O3, इसका मतलब तीन एटम है उसके अंदर, उसकी एटमोसिटी हो जाएगी 3. अंडरस्टूड? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड. सर लेकिन मॉलिक्यूल तो पेयर में पाए जाते हैं ना. नो, हु सेड दैट? ये तूने कहां पढ़ लिया भाई? ये तूने अगर नई खोज करी भरत तो बता दे, तेरा नाम भेजते हैं हम सब, सारे मिलके भेजेंगे नोबेल प्राइज के लिए, तो मॉलिक्यूल प्राइज में उसमें मिलते हैं. नहीं मिलते, किसने बोला मॉलिक्यूल पेयर मिलते हैं? नहीं मिलते. ओके भरत, ओके सर. मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट अवेलेबल हो सकता है, मॉलिक्यूल से छोटा एटम कभी अकेला नहीं रह सकता, एटम को हमेशा किसी न किसी साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनते हैं. तो नेचर के अंदर कोई एटम नहीं मिलते हमें, जो भी मिलते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलते हैं.
राइट राइट कैन वी गो अहेड नाउ. ओके आई एम शेयरिंग द नोट्स. लेट्स गो क्विकली. चैप्टर तो इतना डिफिकल्ट नहीं, पड़ता अब मुझे लग रहा है लंबा है चैप्टर थोड़ा. चैप्टर टू पहले अरियंसी करते हैं, अरियंसी कराता हूँ, ये तो ज्यादा हो जाएगा. Excuse me, sir. हाँ जी यशी. Sir, you didn't send the notes of the previous class. नहीं थे प्रीवियस क्लास के नोट्स, थे नहीं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं थे वो, बेसिकली था ही नहीं. लास्ट ईयर लास्ट टाइम मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा नहीं था, सारा रीडिंग ही हो पाया था. ठीक है बच्चे. ओके वही मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा था, थे नहीं नोट्स. हमने रीडिंग करी थी, उससे पहले क्लास में मैंने सब कुछ समझाया था. एक मिनट दो मिनट को टाइम लग रहा है नोट्स ढूंढने में. अरे हाँ तो ये ऐसा क्यों हो रहा है. अच्छा एट तक फोल्डर खोल गया गलती से. यस ओके यस गुड राइट. एक तरफ से शुरू करते हैं. माही प्लीज आप स्टार्ट करें रीड करना आज. यस नोट्स नहीं हो रहे शेयर. या ओके हम लोग कहाँ तक पहुंच गए. देखो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ये पूरा का पूरा, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ अभी. पूरा पूरा डायग्राम देख लिया था हमने कि कैसे मैटर दो पार्ट में पाया जाता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड. मिक्सचर में क्या क्या आता है. मिक्सचर में तो जो मर्जी घोल दो, बीकानेरी मिक्सचर भी आता है, हल्दीराम का भी आता है. ये दो तरह के हो सकते हैं. एक तो होता है होमोजीनियस, जैसे मैंने समझा हेटेरोजीनियस. ओके और कंपाउंड्स एलिमेंट्स के अंदर तीन चीजें हैं टोटल मिला के. 92 एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए, वैसे तो 118 है साइंटिस्ट ने लैब में बना लिए, लेकिन 92 नेचर में मिलते हैं. और नेचर जो 92 मिलते हैं उसमें 70 मेटल्स, 7 नॉन मेटल्स एंड 15 सॉरी 70 मेटल्स, 7 मेटलॉइड्स जिनके बीच में दोनों की वो क्वालिटीज आती हैं एंड 15 नॉन मेटल्स. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है. ओके उसके बाद हमने एलिमेंट्स देखे थे, टाइप ऑफ मिक्सचर देखे थे, कॉम्बिनेशन. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम करने वाले सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ. अच्छा यहाँ से पॉइंट्स पढ़ेंगे. माही यहाँ से पढ़ें सॉल्यूशन. ओके अच्छा अभी एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ दोस्तों तुम सबको समझ में आ गया ना सॉल्यूट किसको बोलते हैं. तीन चीजें हैं देखो, सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है, सॉल्ट शुगर ये सब चीजें, नींबू का जो जूस है वो भी सॉल्यूट है. सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने से बनता है सॉल्यूशन. ओके सॉल्वेंट मींस वाटर. वाटर वाटर नहीं, नहीं जरूरी नहीं है वाटर. बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कोई बहुत सारी चीजें अल्कोहल में और डीजल में पेट्रोल में मिक्स होती है. फैट है, फैट वाटर में मिक्स नहीं होगा, अल्कोहल में हो जाएगा या फिर डीजल पेट्रोल में हो जाता है कई बार. जरूरी नहीं कि पानी हो, बट हाँ याद रखने का एक अच्छा तरीका है. हाँ यार सॉल्वेंट पानी की तरह की चीजें होती है. या गो अहेड माय. यस सर. सॉल्यूशन अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन. लेमिनेट, सोडा वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ solution. Dissolving phase. The component usually present in large amount of the solution that dissolves the other component in it is called the solvent. Second, solute. Dissolved phase. The component usually present in lesser quantity of the solution that is dissolved in the solvent is called the solute. Some common examples of solution first. Okay, एक मिनट और बता, एक चीज और बताता हूँ. देखो normal सोल्यूशन में और सस्पेंशन में तो इनको सोल्यूट और सॉल्वेंट ही बोला जाता है, लेकिन जब कोलोइड्स की बात आती है, कोलोइड्स क्या होता है मैंने बताया था, जैसे आपका मिल्क है व्हाइट ब्लैक एंड ग्रे. हाँ व्हाइट, तो ये ग्रे वाली पार्टी है,
इसके अंदर क्या दिखते नहीं है पार्टिकल, पर हैं, हमारी नजर नहीं आ रही है, दूध है, दूध के अंदर फैट के पार्टिकल रोटेट करते रहते हैं लेकिन वो हमें दिखते नहीं है। ऐसे मिल्क शेक के अंदर क्या होता है, जो जो भी क्रीम जिसमें डाली बंदे ने, जो भी डाला उसके अंदर, जैसे बनाना शेक बनाया या फिर मैंगो शेक बनाया, तो उसके अंदर मैंगो के पार्टिकल हैं पर वो इतने पतले हो गए कि आपको दिख नहीं रहे, तो उसको कोलॉइड बोलते हैं। तो कोलॉइड के अंदर क्या होता है, जो सोल्यूट है जो कम मात्रा में है उसको बोलते हैं डिजोल्व फेज। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं इतना ज्यादा एम्फेसिस डाल रहा हूँ उसके ऊपर। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन कोलॉइड्स, सर प्रेजेंटिंग, इन कोलॉइड्स, चलो थैंक यू, इन कोलॉइड्स सोल्यूट जो है, अरे पवित्र है कि नहीं क्लास में, पवित्र वैभव चेक करना एक बार, सर है, ओके पवित्र बोल क्यों नहीं रहा? यस सर। हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सोल्यूट क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड, इसका नाम डाल रखा है डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्सिंग फेज। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं इतना टाइम लगा के कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, सर कौन सा वाला क्या है, डिस्पर्सिंग फेज, ये भी वर्ड नया, डिस्पर्सिंग फेज। तो बस ये समझ लो कि कोलॉइड की जब बात हुई, जैसे मैंगो शेक की बात हुई, मैं बात करूं मैंगो शेक की, तो मैंगो शेक के अंदर दोस्तों मिल्क जो है वो डिस्पर्सिंग फेज हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर, और मैंगो जो होगा वो डिस्पर्स फेज होगा। मैंगो हुआ, शुगर हुआ, मैंगो शुगर, तो जो कम मात्रा में होता है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्स फेज। पर मिल्क एंड वाटर तो मिल्क शेक बन जाएंगे ना? हैं? हमने मैंगो शेक लिखा है तो मिल्क और वाटर तो मिल्क शेक बन जाएंगे। हाँ बन जाता है, लेकिन मैं कई कई बार, अरे यार मिल्क में भी तो वाटर तो है ही, या तो तुम डायरेक्ट खाली मिल्क मिल्क का बना लो, और तुम लोग कुछ लोग बोलते नहीं नहीं यार मेरे को तो थिक नहीं अच्छा पसंद, थोड़ा पानी डाल देना, तो फिर वाटर जो है डिस्पर्स नहीं है, सोल्यूट नहीं है, वाटर एक डिस्पर्सिंग का पार्ट, सॉल्वेंट का पार्ट बन गया वाटर। ओके यस राइट, प्लीज माही कंटिन्यू करना। सर स्क्रीन शेयर, स्क्रीन प्रेजेंटेशन। ओके चलो भाई जल्दी करो। सम कॉमन सॉल्यूशंस, यस सर, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन इन सुगर सॉल्यूशन, सुगर शुगर इज इन द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन एज आयोडीन सॉलिड as a solute and alcohol liquid as the solvent. Third, aerated drinks like soda, aerated drink, etc. are gas in liquid solution. CO2 gas as solute and water, liquid as solvent. Fourth, solid solution. एंड गैसियस सॉल्यूशंस। ओके चलो मैं समझा देता हूँ, पूरा पूरा समझा देता हूँ, दो तीन बातें इन्होंने बोली। देखो तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि करके, सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक प्रेजेंटेशन। ओके थैंक यू खालिद भाई, ये लोग तो मुझे बताना पड़ेगा, मुझे आदत अभी पड़ेगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अब तक तो पढ़ जाने चीज पर नहीं ध्यान रहता मेरे को, मैं पढ़ाने में ज्यादा मेरा वो चला जाता कई बार, और नीचे अगर नहीं दिखेगा तो रोक देना, मैं ऊपर वापस आ जाऊँ। ओके तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वाटर है, शुगर है, और पता नहीं क्या है, ऐसे कहते हैं पेप्सी ने और कोक ने तो अपना कोई फार्मूला है जो जो वहां पे कहीं किसी बड़े बैंक के वॉल्ट में रख रखा है, किसी को पता ना चल जाए, तो चलो जो भी है भाई हमें नहीं मतलब उससे, हम तो यहाँ पे कुछ और देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं एरेटेड ड्रिंक किसको बोलते हैं, एरेटेड ड्रिंक का मतलब तो सॉफ्ट ड्रिंक जो फिज वाली होती है, फिज जिंक, कार्बोनेटेड वाटर, यस फिज, फिज जिंक क्या होती है, फिज का मतलब क्या, उसके अंदर बुलबुल है, उसमें प्लेन सोडा भी उसी में आ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि वाटर के अंदर हाई प्रेशर के साथ, एपीफिज भी ठीक है, उसके अंदर फिर लिमका फिमका पेप्सी पेप्सी सब आती है उसमें, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जिससे बनता है कार्बोनिक एसिड,
इनकी केमिकल फॉर्मूला क्या है? एच टू ओ प्लस सीओ टू विल गिव यू एच टू सीओ थ्री, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ये वो फिज है, ये वो फिज है कि जैसे आपने बोतल खोली, बोला डर के आगे जीत है, जैसे आपने बोतल खोली आपके टंग पे गई ना वो, और टंग पे जो स्ट्राइक करती हिट करती आपको जो चरचरापन स्पार्कलिंग थिंग, वो इसकी वजह से आता है कार्बोनिक एसिड से। तो यहां देखने वाली बात क्या है, यहां सॉल्वेंट हो गया वाटर और सोल्यूट होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जरूरी नहीं है कि सोल्यूट हमेशा आपका चीनी हो और शुगर हो और ये सॉल्ट हो, जरूरी नहीं है, गैस भी हो सकती है। राघव अंडरस्टूड? ऋषित सॉरी नॉट राघव ऋषित यस सर। हाँ अबीर दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड दैट सॉल्यूट नॉट नेसेसरली अ सॉलिड, इट कैन बी अ गैस आल्सो। यस सर अंडरस्टूड। नाउ वन मोर एग्जांपल आई गिव यू, इट्स कॉल्ड टिंचर बोलते हैं टिंचर। ये टिंचर पता क्या होता है? अभी तो खैर आजकल तो बड़े हाई फाई वो आ गए, पहले क्या होता था जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो कहीं खेलते खेलते चोट लग गई तो पूरी स्किन निकल जाती थी यहाँ से, सपोज करो स्किन निकल, तो उसके बाद वो उनके पास ना वो कुछ ना पीला पीला वो होता है, और थोड़ा सा पीला पीला डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड टाइप का, तो वो रूई लगा के ना ऐसे ऐसे करके लगाते हैं आपको, जैसे एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक। वो टिंचर होता क्या है, उसके अंदर क्या होता है, आयोडीन इज ए सॉलिड, आयोडीन एक नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। इसको किसके अंदर डिजोल्व करते थे? एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर डिजोल्व करते थे, तो क्या बन जाता है? टिंचर बन जाता है। अब यहां देखो एल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट है, और आयोडीन क्या है? यह है सोल्यूट। आई होप सोल्यूट एंड सोलवेंट इज नाउ क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी गाइज एक बार कंफर्म करो मेरे को चैट बॉक्स में डाल के कि सोल्यूट सोलवेंट और यहां तक कोई डाउट नहीं है, सो दैट वी कैन गो अहेड। या कंफर्म टू मी प्लीज सर, हाउ आयोडीन इज अ नॉन मेटल, व्हाई इट इज नॉट अ मेटल? बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल और नॉन मेटल की अलग अलग, मेटल्स ऑलवेज गिव इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे टेक इलेक्ट्रॉन, इसलिए नॉन मेटल बोलते हैं। Okay, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक, तो उनको डिसाइड किया हुआ, कैरेक्टराइज किया हुआ है, जैसे ऐसे हमारे सोसाइटी के अंदर नहीं बनाया हुआ कि दिस इज अ काउ, दिस इज अ बफेलो, दिस इज अ डोंकी, कैटेगराइज कर रखे। तो साइंस के अंदर भी सारे सारे मेटल्स कैटेगराइज हैं साइंटिस्ट के द्वारा। हाँ क्यों कैटेगराइज है, उसके पीछे कुछ कारण है जो तुम 10th क्लास में पढ़ोगे, चैप्टर 5 है तुम्हारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का उसमें, बट मोटे मोटे तौर पर तुम ये समझ लो भरत कि भाई ये इनकी कुछ खास खासियत है। जैसे मैंने सबसे बड़ी सबसे मेजर बात बताई है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेते हैं, ये फर्क है। ओके सर, बेसिकली सॉल्वेंट इज आर लिक्विड थिंग्स बाय एंड लार्ज, बट अभी कोलाइड में तुम जाके देखोगे, कोलाइड में देखोगे कि साला सॉल्वेंट जो है ना वो सॉलिड है और नॉन सॉल्वेंट और सॉल्यूट एयर है। तुम लोगों ने वो यूज किया है कभी, प्यूमिस स्टोन आता है, एक स्टोन होता है जो पानी पे तैरता है और उससे लेडीज अपनी एड़ियां साफ करती हैं, देखा किसी ने? यस सर यूज किया है, अभी भी किया था मैंने। हाँ लेडीज मतलब क्या सभी करते हैं, मैं नहीं करता वो अलग बात है, बट टाइम नहीं इतना वो सब करने का, लेकिन बहुत लोग करते हैं। तो प्यूमिस स्टोन के अंदर तुम मतलब अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के कोलाइड, इसे कोलाइड, और उसके अंदर सॉल्वेंट है सॉलिड और सोल्यूट है गैस एयर, तो उसके अंदर सॉलिड ज्यादा है एयर कम है, इसलिए वो इतना हल्का होता है कि वो पानी पे तैरता है। तो दैट इज वन एग्जांपल। सो आशी योर स्टेटमेंट कि दे आर ऑलवेज सॉल्वेंट और मे बी यू सेड जनरली सॉल्वेंट आर लिक्विड इज ट्रू, बट देर सम एक्सेप्शन टू दैट। ओके यस सर, चलो All right, let's go ahead now with this. Achha, guys, before we go ahead, there are two things I want. Okay, chalo, alloy पढ़ लेते पहले, उसके बाद बताऊंगा अगला वाला। माही ने पढ़ लिया? All right, let me see. Let me give a chance to everyone today. Abir doesn't speak much in the class. Abir, please you read. Okay, sir. I'm presenting. Okay, sir. Yeah. Anukalp, be ready. Anant, be ready. अलॉयज, व्हाट आर अलॉयज? मैं लास्ट टाइम बताया तुम्हें, आजकल बहुत बहुत तुमने सुना हो गाड़ियों में अलॉय व्हील है, सारी गाड़ी में अलॉय व्हील आते हैं जो हाई फाई गाड़ियां।
अलॉय व्हील का मतलब क्या है भैया? वो वैसा व्हील है, उसके बिना जंग लगेगा, शाइनिंग आएगी, सब कुछ आएगी, पर वो बनता कैसे? लेट्स टॉक अबाउट दैट। या गो अहेड। अलॉयज। अलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। But still, an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. Okay, so तुम लोगों को हिंदी में नाम बता दो। देखो, brass पीतल को बोलते हैं। पीतल, पीतल अपने आप एक metal नहीं है। पीतल तो एक alloy है। तो metal कौन-कौन सी जिससे वो बनता है? वो बनता है तांबा, copper और zinc। जस्ता बोलते हैं। Sir, presentation. ओके, थैंक यू। ओके, सो एलॉयज, और एक दो एलॉयज का एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको अभी। सबसे जो ज्यादा एलॉय यूज हो रहा है आज की डेट में वो है स्टेनलेस स्टील। एलॉयज की बेसिक डेफिनेशन, वो तो रिस्ट वॉचेस में भी यूज होता है आजकल। हर जगह यूज हो रहा है आजकल एलॉय, उसके क्यों रीजन है उसके, मैं बताता हूँ क्या है। देखो, अलॉय का सबसे पहले डेफिनेशन पूछ लो, देख लो। मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल एंड नॉन मेटल्स। बेसिकली मुझे यहां लिखना चाहिए टू और मोर मेटल्स, या तो दो मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है, जैसे कि हमने अभी देखा था। इसका एग्जांपल देख लो, ब्रास विच इज मेड अप ऑफ जिंक प्लस कॉपर, ये तो दो मेटल का हो गया, या फिर वन मेटल और वन और मोर नॉन मेटल, मतलब एक और एक से ज्यादा भी हो सकती है। शुरू शुरू में तो एक ही होती, तब ज्यादा होने लगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील को देख लो, this is example of this। stainless steel जो है बड़ी accidentally बना था एक बंदे से, एक scientist था, scientist क्या था, normal type का बंदा था ब्रिटेन में, वो कुछ experiment कर रहा था। stainless steel के अंदर होता है iron and carbon, लेकिन अब scientist ने बहुत कुछ use करना शुरू कर दिया उसमें, अभी cobalt भी डाल देते हैं, depending upon कैसा बनाना है, सॉफ्ट टाइप का स्टील बनाना है, हार्ड स्टील बनाना, शायद कैसे बना, कोबाल्ट प्लस निकल, ये भी डाल देते हैं अभी। उसके बाद जैसे अभी क्रोम प्लेटिंग होती है, जैसे क्रोमियम है, क्रोम, उसके अंदर क्रोमियम, निकल, बहुत कुछ चीज डाल दी जाती। तो अलॉय समझ लो, तुम बोलते हो, तुम्हें लगेगा कि सर ये अलॉय बनाते क्यों, साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि खाली मेटल्स को छोड़ोगे ना जंग लग जाएगा। अब स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, कितनी बढ़िया बात है, खाली आयरन के अंदर जंग लग जाता है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और ट्राई करें और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करें तो हमें लकीली ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो हमेशा शाइनी रहती हैं और उनकी शाइन जाती नहीं है, कपड़ा मारो एकदम से क्लीन हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, जंग नहीं लगेगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट उसको अभी यूज करते हैं। जैसे एयर को भी एक तरह से आप मिक्सचर बोल सकते हो, एयर को भी इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे दिया है नहीं नहीं अलॉय में नहीं दिया, उसका ऊपर दिया था गैसीय सॉल्यूशन के अंदर। ओके, सो दैट्स व्हाई आई वांडर, क्योंकि अलॉय के अंदर वन ऑफ द कंपोनेंट हैज टू बी मेटल, वन मेटल एंड वन और मोर नॉन मेटल और टू मेटल्स, बट वन ऑफ देम हैज टू बी मेटल। ओके, बिफोर वी गो अहेड, ओके, रीड दिस आल्सो। ऑलराइट, अभी मैंने किसका नाम लिया था यार दोस्तों, एक मिनट पहले मैंने कहा रेडी रहे, अनुकल्प का, अनंत का और ओके अनुकल्प आप पढ़े, अबीर ने अभी पढ़ा है अलॉयज, अनुकल्प आप पढ़े। ओके सर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यह तो समझा दिया था, इसको फटाफट क्लिक करो, मैं अगले कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बस अच्छा, शेयरिंग नहीं या शेयर गो अहेड।
पॉइंट नंबर 20 प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर एज फॉलोज. फर्स्ट, द सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन वन एन एम टेन माइनस एन एम इन डायमीटर, देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज. थर्ड, ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डोंट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन. फोर्थ, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल. द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट डिस्टर्ब्ड. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. एक मिनट, शायद एक दो पॉइंट और होंगे. नहीं नहीं बस ठीक है, मैं समझा रहा. एक्चुअली पॉइंट तो बहुत सारे थे जब मैं तुम्हें टेबल में आया, तो टेबल को देख लेना, फर्स्ट डे जब मैं डाली थी वो वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट दिए थे. अभी छोटे 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 चार पांच पॉइंट दिए थे. पहले बात बताया कि होमोजीनियस होता है. हाँ भाई ठीक है, होमोजीनियस होता है, यानी नींबू पानी बनाया है ना, तो कहीं से भी टेस्ट करोगे सब सेम टेस्ट आएगा, दैट इज सॉल्यूशन. दूसरी बात, दूसरा सॉल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है, उसमें नीचे नहीं बैठता मामला. अगर नीचे बैठ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है, वो फिर सस्पेंशन बन जाएगा. आनंद दुबे, अंडरस्टूड? अगर नीचे बैठ रहा है तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो सस्पेंशन है. सस्पेंशन, सस्पेंशन का हिंदी में मतलब होता है, एनीबडी यू कैन टेल मी, सस्पेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लटका हुआ, लटका हुआ, लटकना, लटके हुए बोलते हैं. तो सस्पेंशन मतलब वो पार्टिकल जो लटके हुए बेचारे, उसके अंदर डिजोल्व नहीं है, कभी वो नीचे बैठ जाते कभी ऊपर आ जाते. अनंत, यानी के क्लास में ओके. पार्टिकल्स का साइज जो है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. हम देखेंगे सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और कोलाइड्स में 1 से 100 के बीच में, लेकिन इधर 1 से नीचे. दूसरा, इनको छान के अलग नहीं कर सकते आप. तीसरा, इसके अंदर ब्राउनियन मोमेंट नहीं दिखाई पड़ता, इसके अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता. टॉर्च मारोगे तो लाइट निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा अंदर कुछ है, और स्टेबल नीचे बैठता नहीं. ओके गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. Before that, चलो स्टॉप करने का. अरे मैं कह रहा हूँ, अनंत कहाँ गया? इसको नेटवर्क की बड़े प्रॉब्लम रहती है. ओके पवित्र भाई, समझ में आया? यस सर, यहाँ तक का. ओके चलो, राइट गाइस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे अपन बात करेंगे. इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता पक्का, और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पक्का आएगा, देख लेना. और तुम लोग गलती मत करना, ये कर लेना चाहिए. स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन पे आता है क्वेश्चन. स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन होती क्या है? अबे भाई, तुमने दूध पीना है और तुम्हारे मम्मी ने चीनी डाल दी है उसके अंदर आधी चम्मच बस, तो सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को कम बोलेंगे हम. तो मजा नहीं आया, बोला मम्मी चीनी डाली तुमने इसमें अंदर, फीका फीका लग रहा है. तुम्हारी मम्मी फिर 2 चम्मच और डाल लेगी, उसको बोलते स्ट्रेंथ बढ़ गई, अभी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ बढ़ गई. सोल्यूशन की स्ट्रेंथ होती क्या भाई? क्वान्टिटी ऑफ सोल्यूट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन. ध्यान रखना, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है भाइयों, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का. ओके अब इसके 3 तरीके. अच्छा पहले एक बात बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन जा रहा खालिद को. खालिद, 2 दूध के ग्लास है, 1 ग्लास दूध के ग्लास के अंदर आधा चम्मच चीनी डाली, दूध बराबर दोनों में, और दूसरे में 3 चम्मच चीनी डाल दी है, किसकी स्ट्रेंथ और किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, 3 चम्मच वाले की कि आधे चम्मच वाले की? 3 चम्मच वाले की. 3 चम्मच वाले, बहुत अच्छा, गुड. तो इस स्ट्रेंथ को नापने के अपने पास भाई और 3 तरीके हैं. पहला होता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जितना आपने सोल्यूट डाला उसका वॉल्यूम. कई बार तुम बोलोगे सर ये शुगर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं यूज होता, फिर दूसरा फॉर्मूला यूज होता है. वॉल्यूम ऑन टू वॉल्यूम परसेंटेज वर्ड जरूर यूज करते हैं यहाँ पे, दिस इज मेथड नंबर 1. राघव,
राघव क्लियर। दूसरा मेथड समझ ले, मास अपॉन मास। सर ये तीसरा दूसरा? तीसरा, दूसरा तो मैं छोड़ देना, तुम मेरी आदत जानते हो। मुझे तुम्हें ऐसे सिखाना है कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। मैं बुक के हिसाब से नहीं चलता कभी भी, मैं अपना मेथड निकालता हूँ, क्योंकि अगर तुम बीच वाला मेथड बताओ कंफ्यूज हो जाते हो तुम। मैं तीसरा तीसरे मेथड बुलाया तुम्हें, अब दूसरे वापस जाऊंगा। तो उसके आगे परसेंटेज का साइन भी लगेगा? लगेगा। तो मास अपॉन मास परसेंट, यानी कि सोल्यूट का मास और सोल्यूशन का मास परसेंटेज। परसेंटेज लिए कहते कि आप 100 में बात करें ना। कोई बच्चे कोई बोले कि मेरे को तो मेरी मम्मा हमेशा 3 ग्राम डालती है 20 मिलीलीटर मिल्क के अंदर, तो वो बात नहीं बनेगी। उसको 100 में करना पड़ेगा, उसको 100 में करना पड़ेगा उसको। ओके, तो भाई देखने वाली बात ये है कि पार्ट वन के अंदर तो बोला, टाइप वन में तो वॉल्यूम वर्क में वॉल्यूम, दूसरा वाला कौन सा है? दूसरे में होता है सोल्यूट को मास में लेते हैं और सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को वॉल्यूम में लेते हैं, ये भी परसेंटेज में आता है। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा पढ़ ले, फिर उसके अंदर में तुम्हें तुम्हें एक मेरे को बात बतानी है, वो है कि यूनिट कौन सी इस्तेमाल होगी। डाउट, या डाउट, आस्क मी डाउट सर, डिफरेंस क्या है मास और वेट में? ओहो, ये तो बड़ा जेन्युइन डाउट पूछ लिया भाई तुमने। अच्छा, मैं एक ओपन क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ पूरी क्लास को। अर्थ पे आपका वेट है 120 kg, कोई तगड़ा मोटा तगड़ा बंदा खाते पीते घर का, 120 केजी वेट उस पर देगा। मून पे कितना वेट होगा? 30 केजी। 120 अर्थ पे है तो मून पे 30 केजी, खालिद बोला 30, बाकी किसी और का कोई विचार? मून पे हम कितने हल्के हो जाते हैं सर? हमारा वेट आधा हो जाता है लगभग। अच्छा, आधा लगभग, आधा ठीक है सर, आधे से भी कम हो जाता है। साइंस और साइंटिस्ट को तुमने भेज दिया तेल लेने के लिए, अब तुम कर रहे हो यहाँ जुगाड़बाजी। आधे से थोड़ा कम कर लेते हैं सर, ऐसा करते हैं। ओ भाई, ये फिक्स अमाउंट है, 1/6 होता है। या कमाल कर रहे हो तुम लोग, 9th क्लास में तो सही आंसर बोला बच्चे। तूने तो 30 kg बोला था, 30 किलो, 30 kg नहीं होगा भाई, 120 / 6 20 kg। 20 kg। भरत, तो एक बात बता, अर्थ पे मेरा वेट है 120 kg और मून पे जाता हूँ तो 20 kg हो जाता है। कई बार ना लोग बोलते हैं यार वेट कैसे कम करूँ, थोड़ा ट्रिक बता। मैं बोलता हूँ भाई काम कर, जेफ बेजोस से बात कर ले और चांद पे चला जाए, एकदम वेट कम हो जाए। तो वेट जो होता है वो एक अलग चीज है और मास एक अलग चीज है। भरत, तो वेट क्या होता है? वेट अब लिख भी देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख दूंगा तो याद भी रहेगा। देखो दोस्तों, वेट है, इट इज द फोर्स विद विच प्लैनेट, चाहे वो अर्थ हो चाहे मून हो, पुल्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। भरत क्लियर? और yes, ये न्यूटन में होता है, वेट जो है हमेशा न्यूटन में होता है, फोर्स है एक्चुअली, तो ये न्यूटन में होता है हमेशा। तो हमारे यहाँ जो बोलते हैं तेरा वेट पुल्स यू टुवर्ड्स द टुवर्ड्स इटसेल्फ, पुल्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचता है। तो क्या होता है जब हम अर्थ की सरफेस पर खड़े हैं ना, तो अर्थ की सरफेस हमें खींच रही है, नहीं तो होता क्या? नहीं तो ये होता, नहीं तो ये होता, देखो, नहीं तो ये होता, ये अर्थ है, ये ऐसे टिल्टेड रहती है। हम लोग यहाँ पे हैं अर्थ, ये हम यहाँ हैं इंडिया में, हम इंडिया में जब ऐसे होंगे या फिर हम इंडिया में ऐसे होंगे, हम तो खड़े हुए हैं, हम तो खुश हैं, हमें तो कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका वाला वो क्या होगा? अमेरिका वाले सारे नीचे नहीं गिर जाएंगे? वो नीचे चले जाएंगे, हवा में चले जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, वो गिरते नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि अर्थ पुल कर रही है हम सबको, अर्थ एक पक्का एक फोर्स के साथ पुल कर रही है अपनी तरफ। हम सारे यहाँ पे कीड़े मकोड़े ह्यूमन बीइंग जानवर फानवर सब सब इधर घूम रहे, इधर सरफेस पर अर्थ की, हम गिरते नहीं है, हमें खींच रखा है अर्थ ने। ठीक है, मैंने ये सुना है कि अगर आप एक एंट को कितनी भी ऊंचाई से फेंक दो कोई मरती नहीं।
हाँ चांसेस तो कम ही लग रहे हैं मेरे को, उड़ती हुई आएगी नीचे क्योंकि उसका वेट इतना कम होगा कि उसको जो फ्लोटेशन मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों वेट वो चीज है भरत जिससे कि अर्थ या कोई भी प्लैनेट हमें अपनी तरफ खींच रहा है। मास क्या चीज है? मास वो चीज है जो कि हमारे अंदर का सब्सटेंस है, वो कहीं चेंज नहीं होगा, वो मून पे भी उतना ही रहेगा और अर्थ पे भी उतना रहेगा। तो तुम बोलोगे सर आप तो फिर बताओ मास कितना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक बंदे का मास जो है ना वो मैटर उसके अंदर है, मैटर इन इट उसको बोलते हैं। तो लेट्स से अर्थ पे एक बंदे का वेट है 120 kg हमारी, तो दिस इज एफ। और अभी अगला तुम्हारा ये अगला चैप्टर है चैप्टर 9 तुम्हारा भी, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए ए एक्सेलरेशन को बोलते हैं, तो हम अर्थ के मामले इसको जी बोलते हैं, तो ये जनरली 10 होता है। तो 120 इज इक्वल टू एम इंटू 10, एम इज इक्वल टू 12 kg। तो मास कितना हुआ इस बंदे का जिसका कि अर्थ पे वेट 120 kg है, उसका मास है दोस्तों सिर्फ 12 किलो। और वो चाहे मिल्की वे पे चला जाए या किसी और स्टार पे चला जाए, तो अल्फा सेंचुरी पे चला जाए, कहीं चला जाए, ये रहेगा उसका साथ हमेशा। ब्लैक होल में गिर जाएगा तो भी रहेगा जब तक उसको अलग से ब्रेकअप ब्रेकआउट ना कर जाए, तोड़ के उसको पुल आउट पार्ट ना कर जाए। भरत आगे चले अभी? यस सर। ओके सो मास हमेशा ग्राम किलोग्राम में होता है, जो वेट होता है वो हमेशा न्यूटन में होता है। लेकिन हम जनरल भाषा में अपनी लाइफ को इजी बना के रखने के लिए हम जितना मेजरमेंट कर रहे हैं, जब हम सब्जी तोलते हैं ना, सब्जी तुलवा के लेके आते हैं बंदे से, तो वो सब्जी जो है वो 1 kg उसका डिपेंड करता है आप कौन से स्केल पे तोल रहे हो। अगर आपने स्प्रिंग स्केल से तोला है तो आपको वेट मिलेगा, और अगर आपने वैसे स्केल से तोला बराबर वन के, डिपेंड करता है कि इस साइड में आपका क्या बट्टा रखा हुआ है। बट्टा आपको 1 kg का रखा है, वो मास 1 kg है या वेट 1 kg है। बट हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम इतना समझ लें कि भाई जिस उससे अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है वो आपका मास है, वो वेट नहीं। सो हम इस बात पे थे अभी कि भाई सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन कैन बी शोन बाय वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन मास। ओके राइट अनंत कैन यू रीड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये लो प्लीज रीड फ्रॉम दिस, ये टॉप से दिखा रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। अनंत सर मैं आई नहीं, एक मिनट अनंत है नहीं क्या क्लास में? हेलो हेलो नहीं नहीं खालिद रुको रुको रुको, रिशित प्लीज टेक ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ब्रैकेट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of a solvent. In a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in a given amount of solvent. It can be classified under amount of solvent, can be classified under 1 saturated solvent, a solution. एक मिनट ये समझाता हूँ दोस्तों। तो देखो इस पे दोबारा आऊंगा मैं, अभी मिटा रहा हूँ इसको। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास अपॉन मास, जनरली क्या होता है, जनरली जो यूनिट यूज की जाती है सर प्रेजेंटेशन। जनरली दोस्तों क्या होता है, मास के लिए जो यूज किया जाता है वो जनरली ग्राम यूज किया जाता है, ग्राम, और वॉल्यूम के लिए जनरली मिलीलीटर यूज किया जाता है। इसको अभी लेके चलेंगे आगे, मैं और समझाऊंगा इसको। तो स्ट्रेंथ, अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। सपोज करो मेरे पास आ,
1000 मिलीलीटर वाटर है, 1000 मिलीलीटर एक लीटर को बोलते हैं, 1 लीटर को बोलते हैं, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर वाटर है मेरे पास, और मैं इसके अंदर शुगर ऐड करना शुरू कर दूं, शुगर रूम टेम्परेचर पे कितनी शुगर ऐड कर सकता हूं इस पे मैक्सिमम, हिला हिला के जो जो मर्जी करके, रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री पे, एनीबडी एनी आइडिया, गूगल मत करना, वैसे मैं ही बता दूंगा, एक्चुअली 200 ग्राम शुगर। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी मास अपॉन वॉल्यूम में, मास अपॉन वॉल्यूम विल बी 200 ग्राम अपॉन 1000 ml इंटू 100, सो दिस इज अ 20% सॉल्यूशन। ठीक नाउ, अब तुम लोगों से आंसर चाहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं इस पानी को बॉयल करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आऊं तो कितनी शुगर इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, अंदाजा लगाओ। एनीवन? अराउंड 1000। 1000 तो है कुछ, 500 ग्राम, आधा किलो शुगर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक परफेक्ट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जब डेफिनेशन की बात होगी दोस्तों, तो सबसे पहला आएगा एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए एंड प्रेशर। इफ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, देन दैट सोल्यूशन कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि जो मर्जी कर लो, जितनी चीनी डाल रहे हो, अगर आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना तो क्या करोगे? दूध के अंदर चीनी जा डाल रहे, जा ही नहीं रही, नीचे बैठे जा रहे, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा वैभव? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो दूध के पार्टिकल है ना, उनके बीच में स्पेस ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दूर चले जाएंगे दूध से, वाइब्रेशन करने लगे। और अब क्योंकि स्पेस ज्यादा बढ़ गया, तो पहले जो आपका खाली शुगर का एक मॉलिक्यूल अंदर घुस रहा था, अब आपके शुगर के दो मॉलिक्यूल अंदर घुस जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से। या फिर प्रेशर कम कर दो, प्रेशर की बात नहीं करूंगा, हाई लेवल की हो जाएगी, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपने शुगर डाल दी, आपका सॉल्यूशन बन गया। अब आप चाह रहे हो, ये सैचुरेट हो गया, इसमें ज्यादा जा ही नहीं रही शुगर, आपके लोग क्या करना है इसको, और आपको चीनी डाल मिक्स करनी है, तो आप क्या करोगे, उसको गर्म करोगे, दूध को गर्म करोगे, पानी गर्म करोगे, उससे स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज एंड यू कैन पुट मोर शुगर। तुम कभी भी देख रहे ना, ठंडे दूध के अंदर चीनी नहीं मिक्स होती, गर्म दूध के अंदर हो जाती। ऑलराइट वैभव, काइंडली खालिद, काइंडली रीड वैभव, आफ्टर दिस। ओके सर। या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नहीं हो रहा प्रेजेंट, एक मिनट होल्ड सर, प्रेजेंट हम बताऊं। हाँ जी प्लीज रीड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution, a solution in which no more amount of solvent can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. Solubility is equal to mass of solute upon mass of solvent into 100. 100 se jaise maine kiya, maine solute ka wo dal diya, iska dal diya, 100 se multiply kar diya. Okay, now what is unsaturated solution? Unsaturated solution. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. Concentration of solution. Amount of solute upon amount of solute is equal to amount of solute upon amount of solvent. एक मिनट, ये confusion फैला दिया इसने. Amount of solute upon amount of solution, amount of solute upon amount of solution. नहीं नहीं, ये इसको छोड़ दो. Only first part पे ध्यान देने का है.
only first part. Okay. Now, expressing the concentration of a solution. Now, मैंने तीन मेथड बताया तुम लोगों को. तीन मेथड ये तीन मेथड इस बारे. हाँ, please read. Expressing the concentration of a solution. The methods by which the concentration of a solution can be expressed are one, mass by mass presentation of a solute, percentage of a solution, mass mass of solute upon mass of solution into 100. Second, mass by volume percentage of a solution, mass of solute upon volume of solution into 100. Okay, ये question करके दिखाओ मुझे answer दिखाओ सब इसका. देखो, solution contains 50 gram of common salt and 450 gram water. Solution concentration बताओ भाई इधर. चलो, 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 चलो. Stop नहीं कर रहा हूँ, presentation कर रहा हूँ. आंसर देखता हूं किसका सबसे पहले आता है. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन? ये दो नंबर का क्वेश्चन भाइयों पक्का आएगा और ये फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है. इसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको. जिसका हो जाता है डन कर दो भाई, लेकिन कोई चीटिंग फिटिंग नहीं चाहिए, चीटिंग नहीं करना. अनंत आया नहीं अब तक. चलो तुम लोग इस पर ध्यान दो अपने, मैं बाकी देख. ओके, आशी, अबीर, खालिद, माही, पवित्र, अनकल्प, ऋषिक, हर्षिता, वैभव, डू यू नीड हेल्प? शुड आई डू दिस और यू गाइस गोना डू इट? सर डन डन. ओके खालिद, होल्ड करना एक मिनट. वंस आई सेव देन ओनली सेंड द आंसर. वैभव, नीड हेल्प? हर्षिता, सर डन. हाँ जी सर, जो हम लिखेंगे आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? परसेंटेज तो कभी, परसेंटेज कोई यूनिट नहीं होती दोस्त, परसेंटेज की कभी कोई यूनिट नहीं होती. डन. ओके, लेट मी सी किस किस का डन आ गया. यार पवित्र ने लिख दिया डन, बस पवित्र ने लिखा है. नहीं, पवित्र, मनकल्प, आशी, बस वैभव, माही. अरे यार, अबीर कहाँ है? अबीर, अनकल्प, अबे यार, ऋषित, अब बड़ी कहानी यार. ओके, पोस्ट. Okay. Right, guys. I'm stopping the presentation. Please focus on the board. कहता था, question ये था, माही, question ये था, माही, माही का नहीं आया answer. कि भाई एक solution है. Solution जो है अपना, उसके अंदर जो salt है, वो 50 gram है. और water जो है, वो 450 gram है. Now let us see concentration. Concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. Rishita? Yes, sir. भाई एक बात बता, solute का mass कितना है? Solute कौन सा है? So, salt है कि water? Solute क्या है? Salt. Salt का मास कितना है? 50 ग्राम. वेरी गुड. ऋषिक, मुझे एक और बात बता, सॉल्यूशन का मास कितना है? 450 ग्राम. नहीं नहीं, ये तो सॉल्वेंट का है, 450 तो भाई एक बर्तन 500 ग्राम. इसके अंदर आपने इतना पानी डाल दिया और इतना सॉल्ट डाल दिया. I want to change my answer. 450, 50 plus 450. तो ऋषित, ये सॉल्यूशन का कितना हुआ मास? 500. वेल डन. दोनों को जोड़ना पड़ेगा यार, ऐड करना पड़ेगा. इनटू 100. 5 से 0 से 0. 5 से 5. बचा 10. खाली 10 बच गया. तो दिस इज परसेंट मात्रा से. इतना आसान होते हैं क्वेश्चन, एक्चुअली फ्री के नंबर होते हैं. बट स्टूडेंट्स को क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस नहीं करते, वो मार्क्स चले जाते हैं, फ्री के नंबर चले जाते हैं.
चलो हाँ भाई ओके चलो कल कल इसके दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा और प्लीज गो थ्रू द वीडियो गो थ्रू द नोट्स प्लीज प्रिपेयर कर फुल मार्क्स चाहिए अभी तुम लोगों से मेरे को उम्मीद है ठीक है चलो ऑल राइट गाइस लेट्स कॉल इट अ डे वी मीट टुमारो कंटिन्यू द सेम चैप्टर राइट बाय आशी बाय अबीर बाय खालिद बाय माही गुड नाइट पवित्र गुड नाइट हर्षिता बाय वैभव बाय 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 गाइस